हल्दी हल्दी हल्दी, ये हल्दी। हाँ, सब कुछ हो गया बराबर। देखो बेटा, आस्था की रस्म में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बस पागल हो गई क्या? क्या कर रही तू? आप क्या कर रहे हो? इतनी तैयारी तो आपने मेरे गृह प्रवेश में नहीं की थी जितने आप आस्था के गृह प्रवेश में कर रहे हो। एक मिनट, कहीं आस्था की पॉपुलैरिटी को देखते हुए पार्टी तो नहीं बदलनी? पार्टी? बहू, हाई कमांड कभी पार्टी नहीं बदला करते। वो तो है, समझी? वो जो मैंने आस्था की सरकार गिराने का बीड़ा उठाया था ना, समझ ले ये उसी की तैयारी है। हाँ, नहीं समझी? मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना कि हर बहू को अपनी गृह प्रवेश की रस्म याद रहती है, आस्था को भी रहेगी, लेकिन उसे याद रखने की वजह मैं दूंगी। समझ गई। इसका मतलब आप आस्था के गृह प्रवेश में गड़बड़ कर रहे हो। मेरी प्यारी बहू, ये सारी बातों को सुनने में नहीं देखने में मजा आता है। भाभी प्लीज चुप हो जाइए। भाई आप इतने आराम से वहां क्यों बैठे हो? आपको दिख रहा है भाभी कितना रो रही है, आके चुप रहिए। हो सकता है आपका कहना मान जाए भाभी। भाई अच्छा टिश्यू बॉक्स ही दे दो। ये लीजिए आप। गायत्री, आस्था को लेके आओ, सब बुला रहे हैं। हाँ अभी आते हैं। चले भाभी। भाभी देखा, अभी से भैया को आपकी कितनी फिक्र है। भाभी चले। जी, आरती की थाली। जानकी, आस्था अपने दाहिने पांव से इस कलश को अंदर की ओर धकेलते हुए गृह प्रवेश करो। एक मिनट आस्था।
आज तुम और शिव एक साथ इस घर में कदम रखोगे। शिव, गृह प्रवेश की रस्म की तरह ये भी एक रस्म है। इसमें पति और पत्नी को एक साथ थाल उठाने होते हैं। हाँ, लेकिन थाल उठाते वक्त और रखते वक्त बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, तब भी जाके ये रस्म पूरी होगी। और अगर ये रस्म पूरी हो जाती है तो आप दोनों की साझेदारी बहुत ही मजबूत होगी। चलो शुरू करो। अरे वाह, क्या साझेदारी है। ऐसे तो देख लेना ये साझेदारी 100 years और चलेगी। I know, made for each other. एक के बिना दूसरा अधूरा। बहुत अच्छे शिव, सही जा रहे हो। हमारी आस्था भी बहुत अच्छा कर रही है। बस इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते हुए प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना। जी, ये तो सारी थालियां बहुत अच्छे से उठा रही है, पर आप तो कह रही थी कि पांचवी थाल तक तो पहुंचने दे। पांचवी थाल के ऊपर कोई जादू किया है? नहीं बहू, पांचवी थाल के नीचे। ये मेरी स्पेशल गोंद जो मैंने पांचवे थाल के नीचे लगा दी है, आप दोनों मिलकर भी इस पांचवे थाल को उठा नहीं पाएंगे। थाल उठेगी नहीं तो रस्म पूरी होगी नहीं, और अगर दम लगाकर भी इस पांचवे थाल को उठा लिया तो आवाज तो जरूर होगी। तो ऐसे या वैसे मैं इस रस्म को पूरा होने नहीं दूंगी। मान गए मम्मी जी, आपकी गोंद का मजबूत चोट इन दोनों की जोड़ी बदने नहीं देगा। वाह, सर्वगुण संपन्न बहू मिली हमारे शिव को, हर काम में निपुण। शाबाश बेटा, अब जल्दी से पांचवी वाली थाल भी उठा दो। ध्यान से, अभी भाभी नहीं होती तो सारी थालियां गिर जाती। भाभी लाइए थाली, मैं बदल देती।
आप देख रही हैं शिव का गुस्सा, मुझे उससे बात करनी होगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखा नहीं तुमने आस्था ने किस तरह से थाल को गिनने से संभाल लिया, उसी तरह से वो शिव और हमारे परिवार को संभाल लेगी। लेकिन मुझे लगता है मुझे एक बार तो उससे बात करनी चाहिए। पर कहोगी क्या, यही कि हम दोनों ने राधिका से उसकी शादी नहीं होने दी, राधिका को उसकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। पर अभी तक तो वो यही समझ रहा है कि राधिका शादी करने से खुद ही पीछे हट गई। वैसा लगने में क्या बुराई है, अभी थोड़ा सा गुस्से में है, पर वक्त रहते रहते खुद ही शांत हो जाएगा और राधिका को हमेशा के लिए भूल जाएगा। तुम अगली रस्म शुरू करो। आस्था, बेटा तुमने अभी तक माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ आस्था, पूजा के बगैर रस्म पूरी थोड़ी होती है। पूजा और मैं, जया आस्था पूजा नहीं करेगी। अरे ये पूजा करने से क्यों रोक रही है गुरु माँ? आस्था तुम्हें पूजा करने की जरूरत नहीं है, और वैसे और एक रस्म बाकी है अभी। आओ शिव जी। हमारे घर की प्रथा है, जब भी नई बहू इस घर में आती है तो हम उसके हाथों से अन्न दान कराते हैं। इस अन्न की बोरी को छू लो आस्था, बाद में हम इसे गरीबों में बांट देंगे। आओ। बस हो गया बेटा, अब मैं इसे गरीबों में बंटवा दूंगा। आओ आओ बेटे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।